खाने में मैं बना रही हूँ टमास की फली, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही है। तो आज जो भी कुछ करूँगी सारा कुछ दिखाऊंगी, बने रहे मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अभी है सुबह सुबह का टाइम और सुबह सुबह सबसे पहले मैं बनाती हूँ खाना और उसके बाद करती हूँ क्लीनिंग, और फिर मुझे कपड़े वगैरह धुलने हैं तो मैं वो भी करूँगी। और मेरे व्लॉग में आप लोगों को जो भी पसंद आए मुझे बताइएगा। और तो बस आज मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटाऊंगी और उसके बाद मुझे बनाना है भाभी के लिए कुछ मीठा। तो कुछ मीठे में मैं क्या बनाऊंगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी ही देर में, पहले खाना बना लेती हूँ फटाफट से। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़ी भाभी के लिए, तीनों भाभियों के लिए मैं कुछ बनाऊंगी, तो मैं बना रही हूँ ब्रेड डेजर्ट। तो अभी मैंने दूध को उबालने के लिए रख दिया था, तो दूध है हमारा 1.5 किलो। मैं बता देती हूँ इसकी रेसिपी, बता रही हूँ वरना फिर आप कहेंगे कि रेसिपी शेयर करें, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ। तो 1.5 किलो हमारा दूध है और इसमें मैं डालूंगी 2 कप शक्कर और इसे अच्छे से उबलने दूंगी। दूध को मैंने पहले भी एक बार उबाल लिया है, अभी शक्कर डालने के बाद भी हम धीमी आंच पे 5 मिनट तक उबालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप चीनी और ऐड कर दी है और इसमें हम दूध ऐड कर देंगे और इसका एक घोल बना लेंगे कस्टर्ड का। तो अभी ये वाला दूध ऐड कर दूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और बस इसे हम बनाने के बाद, कस्टर्ड बनाने के बाद इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तब इसे हम फ्रिज में लगाएंगे और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और फ्रेंड्स, खाना वगैरह मेरा बन चुका है और झाड़ू भी लग गई है, बस अभी मेरा पोछा लगाना बाकी है और कपड़े धुल रहे हैं। तो बस अभी रियान फरान के शूज वगैरह हैं वो धोना बाकी है, बाकी मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो अभी बस इसे अच्छे से उबालने देंगे हम, ये उबल जाएगा उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे सारा और इसे पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैं आज ही रेडी कर रही हूँ क्योंकि कल जब हम निकलेंगे तो सुबह में जल्दी निकलेंगे और सुबह सुबह मैं इसे बना नहीं पाऊंगी क्योंकि इसे टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए, मतलब ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा होता है ना तभी खाने में बहुत मजा आता है। तो मैं इसे आज इसलिए रेडी कर रही हूँ जैसे कि ये कल तक अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। तो अभी ये पूरे दिन में अच्छे से चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और उसके बाद मैं इसमें ब्रेड वगैरह ऐड कर दूंगी जैसे कि जो भी मुझे बनाना है, तो इसे ऐड करके मैं फ्रिज में लगा दूंगी और जब हम कल जाएंगे तो लेकर चले जाएंगे। इसलिए मैं मम्मी के लिए खाना बनाऊंगी और उसके बाद हम लोग सारे घर के कामों से फ्री होकर मैं निकल जाऊंगी। और थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे अभी हम कट करके, अभी ये मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद इसकी आंच धीमी कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। तो बस इस तरह से आप लोग बना लेना, बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस काजू बादाम और पिस्ते, बस यही ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने कस्टर्ड को तो रख दिया है ठंडा होने के लिए, जब ये ठंडा होगा तब हम इसके आगे की रेसिपी बनाएंगे। तब तक फटाफट से मैं अपने सारे कामों से फ्री होती हूँ और बने रहें और पूरी रेसिपी देख लीजिएगा, आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर रेहान फरान ने किया था ये बैक ऑर्डर, तो ये आ गया है। तो बस इसे भी ओपन कर लिया है, चेक कर रहे हैं कि कैसी क्वालिटी है। फ्रेंड्स, मैं अपने कामों से तो फ्री नहीं हो पाई हूँ और यहाँ पर आ गई है हमारी सारी ग्रॉसरी। और इस बार हबी जी ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी तो ये सारा कुछ मंगवा लिया है। और ये सेरेलैक्स हमारे जैद बाबू के लिए मंगवाया है मैंने, और ये क्रैक जैक मम्मी के लिए मंगवाए हैं, और ये रेहान फरान के लिए आते ही हैं। तो रेहान फरान की खाने पीने की चीज़ें भी मैं ग्रॉसरी के साथ ही मंगवा लेती हूँ। तो सारा कुछ आ गया है, तो बस फटाफट से ग्रॉसरी को उठाकर रखती हूँ और उसके बाद मैं नहा कर आऊँगी। अभी मैंने नहाया नहीं है तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बीच में से काम लग जाते हैं तो नहीं हो पाता कभी कभी, और आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तो फिलहाल फटाफट से निपटाती हूँ अपने सारे काम। तो फ्रेंड्स, सारे कामों से फ्री होकर नमाज़ अदा करके जोहर की पढ़ने लगी हूँ पारा हमेशा की तरह। और जोहर की नमाज़ के बाद मैं पारा डेली पढ़ती हूँ, तो बस अभी पारा पढ़ूंगी और उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह उठा के रखने हैं, तो वो भी सूख गए हैं तो उन्हें भी मैं तय करके रखूँगी अभी। तो फ्रेंड्स, हो गई हूँ सारे कामों से फ्री, नमाज़ अदा कर ली जोहर की और पारा भी पढ़ लिया है, और बस अभी कपड़े सूख गए हैं तो इन्हें भी तय करके रखती हूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ कि इन्हें तय करके टाइम से रख देती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स, अभी बनाने लगी हूँ शाम का खाना, और शाम के खाने में फ्रेंड्स, शाम के खाने में बना रही हूँ मैं दाल वाले पराठे, और जितनी भी सब्जियाँ मेरे फ्रिज में रखी हुई थी बची हुई, आज मैं उन सबको ठिकाने लगा रही हूँ और के पराठे बना रही हूँ। तो इसमें मैंने गरम मसाला, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब काट के डाल लिया है मैंने आटे में, और मैंने बनाई थी हरी मिर्च की कतली है।
तो वो सब्जी रखी हुई थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है आलू की, और तुअर दाल बनाई थी तो तुअर की दाल थोड़ी सी है तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये सारी सब्जियाँ मेरी ख़त्म हो जाएंगी। और सुबह में मैंने बनाई थी रमास की फली तो वो सब्जी भी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि पराठे बना लेती हूँ और रायता है तो फलियों की सब्जी से पराठे और रायता बहुत अच्छे लगेंगे और ये सब्जियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, वेस्ट भी नहीं होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इनके पराठे बना लिए सभी के लिए। और जनाब आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं, तो सबको खाने के बाद में फिर मैं भाभी के लिए जो मैं डिज़र्ट बनाने वाली हूँ उसे मैं कंप्लीट करके रखूँगी। अभी वो अच्छे से ठंडा हो गया है जो मैंने बना कर रखा था, तो बस अभी फटाफट से आटा लगाते हैं। आपसे बातें करती रहूँगी तो लेट हो जाऊँगी, फटाफट से बना के सबको देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आपके यहाँ भी अगर कुछ ऐसी बची हुई सब्जियाँ रखी हो ना तो एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं पराठे। तो फ्रेंड्स मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं पराठे, बहुत लाजवाब लगते हैं। आज इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, तो बस देखें कितने यम्मी टेस्टी दिख रहे हैं ना देखने में, कुरकुरे कुरकुरे। तो बस मैंने निकाल दिया है जनाब का खाना, ये रहा सारा कुछ, मैं सभी लेकर आती हूँ। ये देखें एकदम कुरकुरा यम्मी टेस्टी लाजवाब पराठा बनकर रेडी है, देखकर आती हूँ। दही है, रायता है और फलियों की सब्जी जो मैंने बनाई है रमास की फली, वो है पराठे, देखकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं हमारे डिज़र्ट को रेडी करने के लिए, सबको खाना खिला दिया, खुद भी खा लिया, वरिषा की नमाज भी अदा कर ली है, तो बस बारी आती है अब हम सारे काम सीख रही है फिर से रेडी करके रखते हैं और फिर सोएंगे और सुबह जल्दी उठना है। और कल खाने में मम्मी के लिए बनाकर जाऊंगी मैं ककोड़े की सब्ज़ी। तो फाइनली पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब हमें क्या करना है। तो हमें लेनी है ब्रेड, भाई ब्रेड डिज़र्ट है तो ब्रेड तो लेनी पड़ेगी, तो ब्रेड की हम ये वाले साइड पोर्शन हटा देंगे। तो देखिए इस तरह से, और इसे ट्राइंगल शेप में कट करेंगे। और मेन इंग्रेडिएंट्स तो मैं भूल ही गई, हमें लेना है मावा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिया है मैंने मावा जो कि हमारे इन ब्रेड पे लगेगा। तो आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं और चाहें तो बिना इलायची पाउडर के भी आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा खोआ उठाकर रखूँगी जैसे कि मेरी आदत है चोरी करने की अपने ही किचन से। तो मैं यहाँ पर ये किसी और मिठाई को बनाने के लिए रखूँगी, जब उसमें आ जाएंगी तो बनाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैंने इतना ले लिया है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और ले लूँगी। तो बस अभी इसे हम हल्का सा इसमें दूध ऐड करेंगे और 30 सेकंड के लिए इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे जिससे कि थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। तो पहले मैं इसमें दूध डालकर लेकर आती हूँ, फिर इसमें जा रही हूँ। तो बस अभी हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे जिसे मैंने ब्रश कर लिया है, तो इसे हम अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर देंगे। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से इसमें इलायची पाउडर मिक्स हो गया है, अभी बारी आती है हमारे डिज़र्ट को बनाने की। तो देखें इस तरह से हमें अपने ब्रेड पे लगा लेना है मावे को, तो एकदम क्रीमी क्रीमी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये मिठाई। तो बस ये इस तरह से, और इसके ऊपर दूसरा पीस हम रख देंगे और ये हो गया हमारा एक पीस रेडी। डब्बे में, ये वाले डब्बे में मैं ले जाऊँगी भाभी के लिए, तो मैं इसी में इसको रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे इस कस्टर्ड को डाल देंगे, देखें इस तरह से इसमें पोर कर देंगे और फिर यहाँ पर वन बाय वन करके सारे पीसेस को सेट करते जाएंगे। तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पर इसी तरह से मैं सारे पीसेस को रेडी करूँगी और इसमें सेट करती जाऊँगी। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारी वन लेयर तो रेडी हो गई है, अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे कस्टर्ड अच्छी तरह से। इसी तरह से हमें सारी लेयर लगा कर रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स भर चुका है सारा डब्बा और ऐसे ही मैंने सारी लेयर लगा ली है और इसी तरह से मैं डालती गई हूँ। बस अभी इस पे ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करूंगी और थोड़े से मावे से ऊपर से डेकोरेट करूंगी, तो ये हमारी डिज़र्ट बनकर हो जाएगा रेडी। तो बस, और ये करके मुझे बहुत खुशी हो रही है भाभीयों के लिए स्पेशली, उन्होंने मुझसे बोला था और मैं इसे कंप्लीट कर पाई, अपने कामों में से टाइम निकाल पाई ये बनाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से इस पर मावा डालूंगी और इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी, तो ये एकदम क्रीमी और मलाईदार हमारे डिज़र्ट बनकर रेडी है। और इस ब्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं अपनी रेसिपी के साथ है। अभी करीब 10:30-11 का टाइम हो गया है, तो बस आप लोगों से लेती हूँ विदाई। तो गाइज ये था विराज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊंगी इसी तरह से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग के साथ भी आऊंगी और रेसिपी के साथ तो आऊंगी, लेकिन ब्लॉग के साथ भी आऊंगी। और अभी इस पे इसे गार्निशिंग करती हूँ, फिर इसको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और लास्ट में अपने चेहरे पर मैं पैक लगाती हूँ तो उसे लगाऊंगी और फिर उसके बाद में सो जाऊंगी। और उस पैक के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, वो मैं कैसे लगाती हूँ, क्या लगाती हूँ, वो मैं अपने आगे ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को। फिलहाल इसे कम्प्लीट करती हूँ, ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया हमारा ऑलरेडी। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये है हमारे डिजर्ट का फाइनल लुक, यम्मी टेस्टी मावा और ड्राई फ्रूट से मैंने इसे रेडी कर दिया है। तो बस इसे मैं फ्रिज में लगा देती हूँ फटाफट से। तो ये सब पूरे घर वालों के लिए है और ये स्पेशली पापा के लिए है, ये पूरा डब्बा ये अलग से उनके लिए रखूँगी। तो बस फाइनली अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।